राज्य में पंचायत चुनाव की मांग विपक्षी दल जोर शोर से उठा रहे हैं। सरकार की ओर से आश्वासन ही दिया जा रहा है और इस संबंध में बाबूलाल मरांडी का कहना है कि राज्य में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव होना चाहिए। उनसे बातचीत की सहयोगी राजेश कुमार ने। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी कि पंचायत चुनाव को लेकर आप लोग कहते रहे हैं, आपको लग रहा है कि सरकार कुछ कर रही है? देखिए अभी तक तो लग रहा है ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, धीरे धीरे सरकार बीच बीच में बोलती है। अभी उन्होंने मंत्री बोले हैं कि फरवरी में शायद घोषणा करने वाले हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार को बिना विलंब के चुनाव करानी चाहिए। अगर वो चुनाव नहीं कराएंगे तो आगे राज्य को नुकसान होगी। सर 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक बजट सत्र है झारखंड का, तो इस के बाद ही ये संभव हो लगता है? इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, जो कि दलगत ये चुनाव होता नहीं है, प्रशासनिक मशीनरी होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस समय घोषणा करती है तो अप्रैल वगैरह में चुनाव तो हो ही सकता है, आपसे क्या दिक्कत है इसमें? तो आप लोग ठीक है, राजनीति दलीय आधार पर नहीं होता, लेकिन आपकी पार्टी के कार्यकर्ता तो चुनाव लड़ते हैं बखूबी? नहीं, हर दल के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं तो लड़ेंगे, जो लड़ने वाला है वो लड़ेंगे, लड़ने वाले होते हैं वो खुद तैयारी कर में लग रहे होंगे, लग रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं वो। आप लोगों का मोटिवेशन? नहीं, हम सब नहीं इतना ही कहते हैं कि भाई पंचायत चुनाव में दल के कार्यकर्ता जीते, अच्छे लोग चुनाव जीते, जनता के लिए काम करने वाले लोग चुनाव जीते, इसके कार्यकर्ता को सपोर्ट करनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए, और करते भी हैं लोग, कोई हम कहें या ना कहें तब भी लोग चुनाव लड़ते हैं या लड़ाते हैं, जीताते हैं, चूँकि उनको अच्छी तरह से पता होता है किनके जीतने से वहाँ के लोगों की हित होगी, भला होगी, तो ये लोग करते रहते हैं। बाबूलाल मरांडी जी का कहना है कि सरकार जल्द पंचायत चुनाव कराए ताकि गांव का विकास हो सके। कैमरामैन राजा के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।